हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाहबुद्दीन। तो आज हमारा जो है मशीन का एक्सीलेटर वायर टूट गया है, तो आज हम उसी को बना रहे हैं और लड़के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हम सभी लड़के लोग को दिखा रहे हैं कि एक्सीलेटर वायर टूट जाता है तो कैसे बनाना होता है, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे नया लगाएंगे, और टूटता है तो कहाँ टूटता है और कैसे टूटता है। तो ये भी हमारे शमशाद सर हैं जो कि उसको खोल के पूरा बाहर निकालेंगे, और मैं भी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये भी प्लास आ गया और वहाँ से शमशाद सर पकड़ के खींचेंगे। तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पैंडल कराता है एक्सीलेटर वायर जो पैर से दबाते हैं, और यहाँ से नीचे गया है जो हाथ से हम दबाते हैं। तो यहाँ से खींचना होता है, फिर निकल जाएगा, फिर उधर से आके यहाँ से डालना होता है। ये अंदर का पोजीशन है और वहाँ पे निकल गया अभी लगता है। ये देखिए वायर अभी निकल रहा है यहाँ पर केबल। ये दिखाते हैं आप लोगों को कितना लंबा होता है, कैसे कैसे डालना होता है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको यहाँ पर पूरा सीखने को मिला कि एक्सीलेटर वायर को कैसे चेंज करना होता है, कैसे बदलना होता है, और ये टूटता कहाँ से। बेसिकली ये देखिए यहाँ से टूट गया ये। एक्सीलेटर वायर लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वो क्लिप लगाना होता है, उसके बाद आप अंदर डालेंगे। ये देखिए कैसे अंदर डाल रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से अंदर डालना होता है। इसमें आप बेस्ट होता है कि इसमें आप ग्रीस व्रीस लगा लेंगे, ज़्यादा फ्रीली अंदर जाएगा वो। हमने कुछ लगाया नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं इसमें ग्रीस वगैरह, क्योंकि बहुत ही फ्री जाएगा। ये देखिए वहाँ तक पहुँच गया है क्या? तो अभी देखिए यहाँ तक आ गया, जहाँ तक अपना पैर का रहता है वहाँ पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर निकल गया, यानी कि ये जो वायर है यहाँ से घूम के ऐसे आया और यहाँ पे निकल गया। अब इसको हम कहाँ डालेंगे वो भी देख लीजिए। ये देखिए जो अपना हाथ का एक्सीलेटर होता है वहाँ पे जा रहा है, ये वहाँ से ऐसे डालना होता है, वहाँ से ढके उससे ऐसे आएगा और फिर वहाँ से फिर जो है एक्सीलेटर जो हाथ वाला है उसमें डालना होता है, और फिर यहाँ से जो है एक आदमी को धकेलना होता है। ये देखिए यहाँ से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से ये धकेल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक आदमी धकेलता है, एक आदमी वहाँ से उसको खींच के अंदर करता है। तो बहुत ईजी है एक्सीलेटर वायर को चेंज करना। अगर कभी अगर आप लोग का एक्सीलेटर वायर जो है टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप लोग इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो वायर ये पूरा आ चुका है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये पूरा इस सिस्टम में आकर के यहाँ बैठेगा। अभी यहाँ पे कैसे बैठता है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है इसका थ्रेड, इसमें बैठता है, इसमें फंसता है, और यहाँ पे एलिंकी पाना से टेट करना होता है। तो वही भी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा वीडियो। केबिन के अंदर पूरा टाइट करने से पहले यहाँ पर जो है पूरा सेटिंग कर लेना होता है कि आपका जो केबल है उसका लॉक वगैरह लगा लेना होता है। ये पुरानी मशीन है इसीलिए यहाँ पर नट बोल्ट का सिस्टम दिया है, और जो नई मशीन होती है वहाँ पे स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को इस तरीके से हुक में अटकाना होता है। तो यहाँ पे पहले आप पूरा सिस्टम को चेक कर लेंगे कि सब ठीक ठाक है, उसके बाद आपको वहाँ पे चेक करना होता है। वहाँ पे आपको देख लेता हूँ, वहाँ पे जो बोल्ट का सिस्टम होता है, ये देखिए हमारे सर वहाँ पर लगा रहा, आपको दिख रहा होगा सर। तो यहाँ पर पहले पूरा फिट कर लेना था, जो कि 10-11 नंबर पाना से वो बोल्ट खुलता है, उसको वहाँ पे बढ़िया तरीके से फिट फाट करके उसके बाद फिर केबिन के अंदर जाना है और वहाँ पे जो है पूरा सिस्टम को तैयार करना है। यहाँ देखिए अभी हमारे सर जो है इसको बिठाना चालू कर दिए हैं। तो कैसे कैसे बिठाते हैं एक बार तो इनको पूछ लेते हैं। तो उससे कैसे कैसे बिठाएंगे थोड़ा बोल बोल के बताइएगा। इसमें अलंकी बोल्ट से इसको खोला जाता है, एक दो नंबर अलंकी से जी, ठीक है। इसको खोल के इस घाट में फंसाया जाता है। किसको इसको फंसाएंगे ना सर? एक्सीलेटर वायर को कैसे फंसा दिखा दीजिए जी। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, जो अगर वायर लंबा हो जाता है तो इस तरीके से फंसा देना होता है, ठीक है ना सर? अगर वायर लंबा नहीं हुआ तो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ तक आ जाएगा, है ना जी। यहाँ तक आ जाने के बाद आपको लेंथी टाइट कर देना है, उसके बाद उसको उसमें बिठा देना है जी। सर दिखाइए पूरा प्रोसेस। ये दो नंबर लेंथी, ये है लेंथी दो नंबर जो कि उसमें जाएगा अभी।
ये देखिए अभी वायर को यहाँ पर टाइट कर रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए वहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो बिल्कुल दब जाता है पूरा। अभी दूसरा वाला टाइट करेंगे, दूसरा भी टाइट हो गया, ये पूरी तरीके से टाइट हो गया। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत ही इसमें अच्छे से अब यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको एक्सीलेटर वायर को बिठाना है नया वाला, अगर आपका टूट जाता है तो, या फिर आप बदलना भी चाहते हैं अगर किसी वजह से, फिर भी ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वायर अभी लंबा हो गया है तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। अगर वहाँ पर गोल नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम काट के फेंक देंगे सीधा। देखिए कि हमारे सर जो है इसको काट रहे हैं, फाइनली जो वायर को जो है यहाँ पे हम लोग कट कर दिए हैं। और अभी देखिए बिठा रहे हैं सर, ये देखिए एग्जैक्टली बैठ गया पूरा, है ना, बैठ गया ना पूरा सर। ये इस तरीके से पूरा बैठ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि इस बोल्ट से उसको टाइट कर देना, जो कि 10-11 नंबर का बोल्ट होता है, उसको टाइट कर देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद फिर जो है ये आपका हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पर बिठा देना है। अभी आप देखते रहिए वीडियो को पूरा। ये देखिए अभी हमारा ओके हो गया पूरा फाइनल, ये देखिए बन गया है। अभी हम चलो चालू करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये ठीक हुआ कि नहीं। तो ये देखिए चालू हो रहा है, चालू हो गया अभी, ये देखिए ये बिल्कुल, ये बिल्कुल ओके हो गया ना। तो ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपका एक्सीलेटर टूट जाता है तो आप बहुत ही आसानी से जो है एक्सीलेटर वायर को जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से जो है बता देता हूँ। जैसे आपका वहाँ पे एक्सीलेटर वायर टूट जाता है तो आपको पूरा बॉक्स निकाल लेना है बाहर, अंदर का पोजीशन का। उसके बाद एलेंकी नंबर से वो ऑलरेडी तो टूटा रहता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपको क्या करना है, उसको निकाल लेने के बाद यहाँ से जो है, यहाँ से एक बार वायर को खींच लेना है नीचे वाले से, नीचे वाला जो पाइप आया उससे। उसके बाद फिर ये हो जाएगा, फिर आपको दूसरी बार में यहाँ से खींच लेना है, इंजन के पास जो पंप से अटैच रहता है यहाँ से, उस जैसे खींच लेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर ये पूरा वायर बाहर आ जाएगा। फिर दूसरे बार जब कोई नया केबल रहेगा उसको यहाँ से डालना है। फिर जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, और उसी मेथड से जो है आप पूरी मशीन में जो है एक्सीलेटर वायर लगा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो बस वो हाथ कट जाएगा उसमें। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बच्चों लोगों को सिखाते हैं अगर कुछ ख़राबी हो जाता है तो। बाकी यहाँ पे हर तरह का तो नॉलेज लड़कों को दिया ही जाता है। तो बस ये देखिए हमारा गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोगो है, यहाँ पर देखिए GTI का लोगो है ये। तो अगर आप लोगों में कोई भी JCB सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के JCB सीख सकते हैं। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।